Hello well welcome everyone myself amit maurya welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of the james of the topic dual nature of light and its radiation our first question is mcq single correct sodium and copper have work function 2.3 electron volt and 4.5 electron volt respectively देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इज़ नियरेस्ट टू हमें इस क्वेश्चन में सोडियम का वर्क फंक्शन दिया गया है टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन बोल्ट एंड कॉपर का वर्क फंक्शन दिया गया है कितना फोर पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन बोल्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी रेशियो ऑफ दी वेवलेंथ ऑफ सोडियम टू दी वेबलेंथ ऑफ कॉपर ओके okay? हमें इस क्वेश्चन में सोडियम और कॉपर की वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है जो कि टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन बोल्ट एंड फोर पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन बोल्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेब लेंथ ऑफ सोडियम टू दी वेबलेंथ ऑफ कॉपर ओके as we know that energy equal to SC by lambda okay we write this expression for both sodium and copper and divide each other e1 by e2 equal to lambda2 by lambda1 where E1 is the energy work function of the sodium and E2 is the work function of the copper, and lambda 2 is the wavelength of copper, and lambda 1 is the wavelength of sodium. If we put the value in a given equation, we get our answer the value of ratio of lambda 1 divided by lambda 2 which is lambda 1 divided by lambda 2 is equal to e2 by e1 equal to 4.5 divided by 2.3 which is equal to 2 is to 1. चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को एक बार और देख लेते हैं वी नो दैट वर्क फंक्शन इज द एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड एंड इक्वल टू एच न्यू एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है एच न्यू इक्वल टू एस सी बाई लेमडा हम ये एक्सप्रेशन इक्वल टू एस सी बाई लेमडा सोडियम और कॉपर के लिए अलग अलग लिख लेंगे और फिर सोडियम एनर्जी ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ कॉपर करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन आएगी एनर्जी ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ कॉपर इक्वल टू लेमडा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ सोडियम एज फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा और और वी कैन से दैट द फ्रेक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फॉर लाइट लेमडा ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ कॉपर इक्वल टू एनर्जी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सोडियम विच इज फाइनली वी गेट आवर आंसर टू वन जो फाइनली हमारा आंसर निकल कर आएगा वेबलेंथ ऑफ सोडियम टू वेबलेंथ ऑफ लैमडा ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई लैमडा ऑफ कॉपर विच इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई वन इज द आवर फाइनल आंसर सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज टू इंज टू वन लेमडा ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ कॉपर इक्वल टू टू इंस टू वन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ वन एंड एफ टू इफ दिलास्टी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास कमिंग आउट आर रेस्पेक्टली वी वन एंड वी टू देन क्वेश्चन में गिवेन है टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव कर रहे हैं लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ वन एंड एफ टू इफ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम वी वन एंड भी टू इस क्वेश्चन में हमें दो दो आइडेंटिकल फोटोन के फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है ऑफ मास यम और उसके की वैल्यू दी गई है वी वन एंड भी टू तो हमें वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी के और मास के बीच रिलेशन को फाइंड आउट करना है एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ हाफ एम बी स्क्वायर ओके वी राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर बोथ फोटोन हाफ़ एम भी वन स्क्वायर इक्वल टू एच एफ वन माइनस फाइव और सेकेंड फोटोन के लिए हम लिख लेंगे हाफ एम भी टू का स्क्वायर इक्वल टू एच एफ टू माइनस फाइव इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड अगर हम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते हैं जो हमारा फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा भी वन स्क्वायर माइनस भी टू स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाई एम एफ वन माइनस एफ टू वेयर वी वन एंड भी टू आर वेलोसिटी ऑफ फोटो कैथोड एंड एफ वन एंड एफ टू इज द एफ वन एंड एफ टू इज दियर फ्रिक्वेंसीज और यच हमारा प्लैंक कॉन्स्टेंट है और यम क्या है मास है ठीक है सो और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं फार वन फोटो कैथोड F1 minus W equal to half m v1 square. This is our first equation for one photo cathode. For another photocathode, h f2 minus W equal to half m v2 square. After subtracting second equation from first, we get this expression. Finally, after solving these both equations, we get the our answer which is p1 square minus b2 square equal to 2 h by m in bracket f 1 minus f2, which is our right answer. Finally we get our right answer which is option number a which is option number a. वन का स्क्वायर माइनस भी टू का स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाई एम इन ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ टू ओके सो वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्क फंक्शन ऑफ ए सबस्टेंस इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन काउ्स फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंट इज अप्रोक्सीमेटली इस क्वेश्चन में हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस फोर इलेक्ट्रॉन बोल्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट काउ्स फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम ए सब्सटेंस हमें लॉन्गेस्ट वेबलेंथ को फाउंड आउट करनी है टू मिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस okay as we know that phi equal to sc by lambda where lambda equal to sc by phi we know the value of phi which is our work function the value of our function given in question which is 4.0 electron volt and we already know the value of Planck constant h and speed of light. Okay, after putting all the values in a given equation, we finally come to know our right answer, which is option number A 3.10 nanometer. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन में हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है टू इमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन एज वी नो दैट फाई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा फाई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा and where lambda equal to sc by phi we know the value of planck constant and speed applied and the value of our function given, a, given in a equation given in our question after putting all these value finally we come to know our answer the longest wavelength to emit photoelectron which is equal to 3 110 nanometer is the our right answer so our right answer will be option number A 310 nanometer is the our right answer so we proceed to our next question according to einstein's photoelectric equation the plot of the kinetic energy of emitted फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल भी द फ्रिक्वेंसी पी एस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गिवस एस स्ट्रेट द दो स्लोप हमें क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू आइस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच ग्राफ है हमारा जो कि स्टेट लाइन है एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव दिस एक्सप्रेशन एक्सप्रेस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी यम इक्वल टू एच जो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी वह प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगी ठीक है चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को एक बार और देख लेते हैं फ्राम इक्वेशन कानेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ कानेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी इज इज इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट विच इज़ सेम फॉर ऑल मेटल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी किस और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच ग्राफ होगा उसका स्लोप कितना होगा प्लैंक कॉन्स्टेंट के बराबर होगा क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है कानेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव वह एक स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेस कर रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और जो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी वह प्लैंक कांस्टेंट की बराबर होगी फॉर फॉर एनी मेटल ठीक है सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द सेम फॉर ऑल मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और जो हमारी जो हमारा कानीटिक एनर्जी होगा वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइट रेडिएशन के इंडिपेंडेंट होगा वनली द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारी कानटिक एनर्जी होगा वह इस पर डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा हमारी इंटेंसिटी जो है लाइट बस किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ओके सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द कानेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इस डिब्रॉगली वेबलेंथ चेंज बाई फैक्टर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम अपने कानेटिक एनर्जी के वैल्यू को डबल कर दें ठीक है तो डिब्रॉगली वेबलेंथ में क्या चेंजमेंट आएगा ओके एज वी नो दैट वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू वी एम इंटू काइनेटिक एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को हम यहाँ डबल कर देंगे तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू में क्या चेंजमेंट आएगा वही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है जैसे कि हमें पता है कि कानेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ़ एम बी स्क्वायर, ठीक है अगर हम एक यम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें तो यम स्क्वायर भी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो हम फाइनली पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी वो लिख सकते हैं वेयर पी इज दी मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी ठीक है फाइनली हमें मोमेंटम की वैल्यू क्या निकल कर आई है अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी एज वी नो दैट वेवलेंथ इक्वल टू एच बाई पी यहाँ पी की जगह रख देंगे दिस एक्सप्रेशन को तो अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी ठीक है ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा वी नो दैट लमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू एम के अगर हम कनेटिक एनर्जी के वैल्यू को डबल कर देते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ होगी इनिशियल वेवलेंथ के वन बाई लेमडा बाई वन बाई रूट टू टाइम हो जाएगी सो वी कैन सो वी कैन से दैट डी ब्रोकली वेवलेंथ चेंज बाई वन बाई टू वन बाई रूट टू फैक्टर ओके सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच बाई पी हमको मालूम है हमने आपको बताया कि ये एक्सप्रेशन कैसे फाउंड फाइंड होकर आया है लेमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू एम इंटू कानेटिक एनर्जी अगर हम कानीटिक एनर्जी की वैल्यू को डबल कर देते हैं ठीक है तो हमारी जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वह वन बाई रूट टू टाइम्स होगी इनिशियल वैल्यू के ठीक है इफ़ द कानेटिक एनर्जी डबल वेबलेंथ विकम लेमडा बाई रूट टू ओके So, our right answer will be option number D 1 by root 2 times the value of initial wavelength. Okay, lambda dash equal to lambda by root 2. Okay, we proceed to our next question. A photocell is illuminated by a small bright source placed 1 meter away when the same source. ऑफ लाइट इज प्लेस वन मीटर अवे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाई फोटो कैथॉड वुड बी ठीक है क्वेश्चन में हमें गिवन है ए फोटो सेल इज एमटेड बाई स्मॉल ब्राइट लाइट सोर्स ए फोटो सेल इज एमटेड बाई स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस वन मीटर अवे इनली वन मीटर अवे प्लेस्ड है फोटो सेल फ्राम से ठीक है और व्हेन दी सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड हाफ मीटर जब सेम सोर्स ऑफ लाइट को हाफ मीटर पे हम प्लेस्ड कर देते हैं मतलब रख देते हैं हाफ मीटर पे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई फोटो कैथा डोट बी जो हमारा फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले गए उसकी संख्या को फाइंड आउट करना है ठीक है एज वी नो दैट इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाई एरिया विच इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर वी कैन से दैट इंटेंसिटी इनवर्सली पपोशनल टू वन अपन आर स्क्वायर ठीक है इनिशली आई वन इनवर्सली पपोजनल टू वन अपान आर वन का स्क्वायर फाइनली आई टूनिवर्सली पपोजनल टू वन अपान आर टू का स्क्वायर वी वी डिवाइड बोथ इक्वेसन आई आई वन डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल टू आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन के स्क्वायर आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस सी कम टू नो दैल्यू ऑफ ऑफ रेशियो ऑफ आई वन बाई आई टू आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू आर टू की स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन की स्क्वायर आर टू की वैल्यू क्या है वन बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन का स्क्वायर तो हमें आई वन बाई आई टू की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी इज इक्वल टू वन बाई फोर ठीक है सो वी कैन से दैट आई वन बाई आई टू इक्वल टू वन बाई फोर विच इज आई टू इक्वल टू फोर आई वन सो वी कैन से दैट the value of intensity will become four times the value of, value of initial intensity of light so we can say that increase by factor of four so we can say that finally the our right answer will be option number a increase by a factor of four चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को एक बार देख लेते हैं एज वी नो दैट आई इनवर्सरी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर हम दोनों दोनों का रेशियो ले लेंगे आई वन डिवाइड बाई आर टू इक्वल टू आर टू की स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन की स्क्वायर हम आर वन और आर टू की वैल्यू अप करेंगे फाइनली वी कम टू नो आई वन बाई आर टू इक्वल टू वन अपॉन फोर ठीक है आई वन वी फोर टाइम द आई टू सॉरी आई टू बिकम फोर टाइम्स द आई वन जो हमारी फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वह इनिशियल इंटेंसिटी के फोर टाइम्स हो जाएगी वेन द इंटेंसिटी बिकम फोर टाइम्स द नंबर ऑफ फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड वुड इंक्रीज बाई फोर टाइम्स सिंस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज़ डायरेक्टली पपोजल टू इंटेंसिटी जो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हमारी इंटेंसिटी फोर टाइम्स हो गई इनिशियल इंटेंसिटी के तो नंबर ऑफ फोटोन की संख्या भी क्या हो जाएगी फ़ोर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी ओके okay? So our right answer will be option number A increase by a factor of four. Okay. Our next question is the threshold frequency for a metallic surface corresponds to an energy of 6.2 electron volt, and the stopping potential for a radiation incident on the surface is 5 volt. The इंसिडेंट रेडिएशन लाई इन हमें इस क्वेश्चन में थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सर्फेस करस्पॉन्ड टू तो एन एनर्जी कितना दी गिवन है सिक्स पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें इस क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है कितना है फाइव वोल्ट वी हैव टू फाइंड आउट इन विच रीज़न द इंसीडेंट रेडिएशन विल लाई ओके as we know that kinetic energy is equal to h nu minus phi where kinetic energy equal to ev electron volt ev we can say that ev is equal to hc by lambda minus phi okay we know that EV equal to SC by lambda minus phi. Okay? EV plus phi equal to SC by lambda. We get the value of lambda. SC by EV plus phi. We put the value of SC and C elect speed of electron and e is the charge of electron b is the stopping potential plus phi, phi is the threshold energy okay after putting all these value, we finally get the value of wavelength okay we get lambda equal to h c divided by phi plus e into b we put all values we know the value of phi which is given in question and we already know the value of charge of electron and the value of stopping potential given in a question 6.2 electron volt

as old energy is given in question which is equal to 6.2 electron volt equal to 6.2 into 1.6 into 10 to power minus 19 joule and the value of stopping potential given in a question which is equal to the 5 volt and we can say that sc minus sc by lambda Minus phi equal to EV. After solving this equation, we get the value of wavelength, which is equal to SC by phi plus EV. After putting all the values in this equation, we get the value of wavelength, which is our final, final answer. जो फाइनली हमारा वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी लेमडा इक्वल टू टू पावर माइनस सेवन मीटर ओके दिस रेंज लाई इन अल्ट्रा वायल रेंज जो हमारा फाइनली फाइनल आंसर आएगा वेवलेंथ की वैल्यू लेमडा इक्वल टू टू पावर माइनस सेवन मीटर आएगा जो कि किस रीजन में लाई करता है वेवलेंथ की वैल्यू वो अल्ट्रा वायल्ट रीजन में रहे अल्ट्रा वायल्ट रीजन में लाइक करता है ठीक है सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायल्ट रीजन ओके विल लुक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटो स्टिक इज अप्रोक्सीमेटली इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस क्वेश्चन हमें गिवन है कि टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटो ऑन स्टिक इज कि कितने समय में हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस से आउट होगा ठीक है जस्ट इंसिडेंट लाइट स्टिक मेटल सरफेस जैसे कि हम कोई लाइट रेज आ रही है और मेटल सरफेस पे स्ट्रिक कर रही है तो कितने समय में फोटो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से आउट होगा ठीक है यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है जैसा कि हमें मालूम है कि जो इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट रे मेटल सरफेस पर स्टिक करेगी विथिन है टेंट पावर माइनस टेन सेकेंड के अंदर ही मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होती है एजेक्ट हो जाती है सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को एक बार और देख लेते हैं दमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम दिस सरफेस आफ्टर इंसिडेंट ऑफ फोटोस इन अबाउट जैसे कि इंसिडेंट लाइट हमारे मेटल सरफेस से पड़ती है विथिन ए टेंट पावर माइनस टेन सेकेंड के अंदर ही जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वह मेटल सरफेस से एजेक्ट हो जाती है आउट हो जाती है ओके सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विथिन ए टेंट पावर माइनस टेन सेकेंड द इलेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन come out from the metal surface our next question is if g and gm are the acceleration due to gravity on the surface of earth and on the surface of moon respectively and if Milken oil drop experiment could be performed on the two surfaces one will find the ratio of the इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द मून एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ भी इस क्वेश्चन में हमें एसेसन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून दोनों की ही असेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मिंग ठीक है तो so, हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ मून टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओके हमें क्यों क्यूँम डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ठीक है चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन एजेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून जो हमारा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन एसलेसन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्सटेंट एसलेसन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हमारा एक यूनिवर्सल कॉन्सटेंट होता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिपेंड नहीं करता है सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ Is equal to electronic charge on moon the required ratio equal to 1 okay so our final answer is the electronic charge on the surface on moon divided by electronic charge on the surface of earth is equal to 1 is to 1 ratio okay so our right answer will be option number b वन इज टू वन ओके ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू हैज ए मोमेंटम एसोसिएटेड विथ इट इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट द मोमेंटम हमें इस क्वेश्चन में फोटोन की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी गई न्यू और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम एज वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर ठीक है और एनर्जी एनर्जी ईक्वल टू कितनी होती है एच न्यू होता है सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेसन आफ्टर इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन एम सीर एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू वी गेट एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू वे आर एम इंटू सी इंटू सी इक्वल टू एच न्यू एम सी की वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी मोमेंटम के इंटू सी इक्वल टू एच न्यू फाइनली मोमेंटम की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी मोमेंटम इक्वल टू एच न्यू बाई सी सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी न्यू इज गिवन बाय इक्वल टू एच न्यू आल्सो वी नो दैट इक्वल टू एम सी स्क्वायर आफ्टर इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, वी गेट एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट एम सी इक्वल टू एच न्यू बाई सी फाइनली वी गेट मोमेंटम इक्वल टू एच न्यू बाई सी ओके सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मोमेंटम इक्वल टू एच न्यू बाई सी इज द आवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द आवर राइट आंसर चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं द सर्फेस ऑफ ए मेटल इज इलिमिनेटेड विद द लाइट ऑफ फोर हंड्रेड फोर्टी नाइनोमीटर द कानेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन वॉस फाउंड टू बी वन पॉइंट सिक्स एट इलेक्ट्रॉन बोल्ट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज एच न्यू एस सी इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है फोर हंड्रेड फोर्टी फोर हंड्रेड फोर्टी नाइनोमीटर और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है कितना है वन पॉइंट सिक्स एट कनेटिक एनर्जी की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स एट इलेक्ट्रॉन बोल्ट गिवन है और यस की वैल्यू गिवन है ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी इलेक्ट्रॉन बोल्ट नाइनोमीटर ठीक है एस की वैल्यू हम जानते भी हैं प्लेंग कांस्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट दोनों की वैल्यू को हम जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें वैल्यू निकल कर आएगी ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर सो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है मेटल के ठीक है चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ एबल गिवन इन क्वेश्चन फोर हंड्रेड

इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस कानेटिक एनर्जी हमें एस सी की वैल्यू गिवन है ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे एंड द वैल्यू ऑफ वेबलन विच इज फोर हंड्रेड फोर्टी नैनोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ कने कानेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गिवेन इन ए क्वेश्चन विच इज विच इज वन पॉइंट सिक्स एट इलेक्ट्रॉन बोल्ट After putting this value in a given equation, we finally get our answer, which is 1.42 electron volt. Okay. So our right answer will be option number A. Our function equal to 1.41.